मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी कामेश मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी। कुव्याख्या व्याख्या सुव्याख्या और प्रकाश की बहुत सारी परिभाषाएं। अगर आप थोड़े भी पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि जब प्रकाश यानी जो लाइट और जो रोशनी होती है, शुरू में बच्चों को कहते हैं कि जो चीज चमकीली हो और जो चीज किसी को प्रकाशित करती हो, प्रकाश फैलाती हो, प्रकाश देती हो, वो जो फैलाती है उसको प्रकाश बोलते हैं, उसको लाइट बोलते हैं। यानी जो बल्ब का चमका जो आता है हमारे पास में, जो फैलता है वो प्रकाश है, या मोमबत्ती जलाई जो फैलाती है रोशनी है वो प्रकाश है। सिर्फ प्रकाश की इतनी डेफिनेशन शुरू में पहली दूसरी पांचवीं छठी क्लास को बताई जाती है कि जो एलिमेंट चमकता है वो जो फेंकता है उसको प्रकाश या लाइट बोलते हैं। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो प्रकाश की यानी जो लाइट है उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। फिर लाइट की डेफिनेशन होती है कि जो किसी सोर्स से तरंगे आती हैं और जो स्टेट आती हैं, स्टेट फॉरवर्ड आती हैं, और जो कहीं पढ़ के परावर्तित होती हैं यानी रिफ्लेक्ट होती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, उस चीज को प्रकाश कहते हैं यानी कि लाइट कहते हैं। यानी कि वो किरणें आई किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे, इसका मतलब वहां प्रकाश पड़ा है, लाइट पड़ी है, वो हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर आ गई है, हमने वो देखा। अगर कोई किरण पड़े और हमें ना दिखाई दे तो इसका मतलब वो लाइट नहीं है। यानी अंधेरे में अगर कोई चीज आती है और अंधेरे में रहती है और वो हमें नहीं दिखाई देती है तो इसका मतलब वो लाइट नहीं है। कितनी सिंपल सी बात है, क्योंकि अंधेरे में तो कोई देख नहीं सकता। जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर बताते हैं कि जो लाइट है वो हीट वेव्स हैं और उसमें हायर एनर्जी होती है, और वो जब हीट हायर एनर्जी में आती है तो वो प्रकाश उत्पन्न करती है। यानी कि हायर वेवलेंथ की, हायर फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं उनको हम लाइट बोलते हैं। वो लाइट हैं, वो प्रकाश की तरंगें हैं। यानी जैसे आग आपने जलाई तो आग अगर कम जलेगी तो गर्मी तो आएगी मगर लाइट नहीं आती, मगर अगर तेज आग जले तो वो जो गैस है वो इतनी तेज चलती है कि चमकने लगती है, उससे जो पैदा होता है वो हीट वेव्स होती हैं, और हीट वेव्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि उससे लाइट उत्पन्न हो जाती है। जैसे अगर आप लोहे को अगर बहुत तेज से जलाएंगे तो रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाता है, कहते हैं कि इतना गर्म है कि अब ये प्रकाश भी देने लगा है। तो फिर प्रकाश की यानी लाइट की डेफिनेशन या परिभाषा ये हो जाती है। जब और थोड़े बड़ी क्लास में जाते हैं तो कहते हैं कि जो फोटोन का बंडल है यानी कि जो लाइट है वो बहुत छोटे 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 अणुओं से, फिर उनके परमाणु से, और परमाणुओं में जो कण हैं और उनमें से जो एक कण है उसको, जो एक एटम का जो पार्ट है उसको फोटोन बोलते हैं। तो फोटोन के बहुत सारे बंडल होते हैं, वो बंडल आते हैं और वो बंडल चलते हैं स्टेट। वो फोटोन जो होते हैं यानी कि लाइट इज ए बंडल ऑफ फोटोन, यानी बंडल ऑफ फोटोन को लाइट बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, ये बता दिया। फिर और बड़े होते तो कहते हैं कि ये वो चीज है जो वैक्यूम में भी चलती है, यानी कि सूरज के बीच में, सन के बीच में, अर्थ के बीच में निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, ना हवा होती है ना कोई तरंगे होती है, फिर भी वो लाइट हमारे पास आती है। तो ये एक एनर्जी का सोर्स है, जो एनर्जी आती है ये एनर्जी की वेव्स हैं, जो हीट्स हैं, और ये एक अलग तरह के एटम्स हैं और अलग तरह की चीजें हैं जो बिना किसी मीडियम के भी ट्रांसफर होती हैं। और भी आगे डेफिनेशन आती रहेंगी लाइट की जब तक लाइट को समझेंगे। भगवान बुद्ध के धम्म की जो व्याख्या है अब होनी शुरू हो गई है। बाबा साहब ने किताब दी भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जितना वो पढ़ सके, जितना वो जान सके, जो वो लिख सके उन्होंने वो लिखा। उसके बाद और भी ज्ञानी आ गए हैं, और भी लोग खोज कर रहे हैं। अब पाली में भगवान बुद्ध के वचनों के में बहुत तेजी से खोजें होने लगी हैं, लोग त्रिपिटक ढूंढने लगे हैं, हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए, पाली में मिल जाए, किसी और भाषा, पूरी दुनिया में खोज चल रही है। कुछ जो साहित्य है वो भगवान बुद्ध का ओरिजिनल नहीं है, कुछ अटकटाएं हैं, अटकटाएं मतलब अर्थकथाएं हैं, और कुछ जो बाद में कहानियां लिखी गई हैं वो कहानियां हैं जो लोगों को समझाने के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से लोगों ने उनकी व्याख्या की है। कुछ मूल है मगर भगवान बुद्ध ने जो बताया था वो साफ कहा था कि जो भी आप देखोगे वो व्यवहारिक रूप से सही उतरना चाहिए, और जो आप पढ़ोगे या जो आप सुनोगे अगर वो व्यवहारिक रूप से मनुष्य के कल्याण के लिए, सभी मनुष्य के कल्याण के लिए दुनिया में नहीं है तो वो बात ठीक नहीं है। मेरी भी बात हो सकती है तो वो गलत हो सकती है, मेरी का मतलब है बदल दी गई हो सकती है। उन्होंने तो कोई बात गलत कही नहीं, क्योंकि अगर गलत कही होती तो उस समय के जो भिक्षु हैं उन्होंने तो व्यवहार करके देखा था तो वो बता सकते थे कि भगवान आपकी बात गलत है, तो उनकी तो 100 में से 100 बातें ठीक हैं। मगर किसी ने उनके नाम पर अगर बदल दी हैं, अपना नाम लगा के या उनका नाम लगा के, तो व्यवहार से पता चल जाएगा। तो बहुत सारे विद्वान आपस में बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सिखाने आ गए हैं, और अभी बहुत सारे लोग आएंगे।
अभी हजारों यूट्यूबर आएंगे जो आपको धम सिखाएंगे। एक यूट्यूबर मैंने देखा था जो अभी धमचक पर्वतन पे कह रहा था कि महात्मा बुद्ध ने ऐसे ऐसे करके चमत्कारी ज्ञान प्राप्त किया। अब वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन है उसकी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो कभी अपने आप को महात्मा आत्मा कहा नहीं और ना ही कोई चमत्कार का चमत्कार निबंध है। मगर उसको यूट्यूब बेचना है, उसको अपना नाम बेचना है, टाई लगा के कोट लगा के आया है, उसके पास में बहुत सारा इंतजाम है, बहुत सारे टीवी हैं, और यूट्यूब पे भी वो लाखों रुपए देते हैं इस बात के कि उनकी वीडियो चले। यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप अपनी वीडियो चलवा सकते हैं, बेशक आपका कैसा भी मटेरियल हो। आप 1,00,000 रुपया यूट्यूब को दीजिए, आपकी 10 करोड़ तक मार हो जाएगी, आपकी 10 करोड़ तक लोगों तक पहुंच जाएगी। और आप 1 रुपया भी नहीं देंगे तो आपकी अप्रोच नहीं पहुंचेगी। ये उनका बिजनेस है, तो इसका अच्छा क्या, इसका बुरा क्या। तो जो व्याख्या, आख्या, सुव्याख्या या कुव्याख्या जो आने वाली हैं, जो इंटरप्रिटेशन आने वाले हैं, जो एनालिसिस आने वाले हैं, वो सब आप देखिए, वो सब अलग 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 इस तरह के हैं। जैसे प्रकाश की जो तरंगे हैं या प्रकाश की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग एज में अलग अलग स्टेज में अलग अलग हैं, ऐसे ही भगवान बुद्ध की जो इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं या जो भगवान बुद्ध का एनालिसिस कर रहे हैं या जो उनका व्याख्या कर रहे हैं या अर्थ निकाल रहे हैं या उनकी जो आख्या कर रहे हैं, वो सारा ही अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने स्तर और अपनी अपनी पढ़ाई और अपनी अपनी बैकग्राउंड और अपने अपने उद्देश्य के हिसाब से कर रहे हैं। तो आप कैसे देखेंगे कि ये ठीक है या ये खराब है? ठीक और खराब देखने के लिए आपको एक तो विपसना आनी चाहिए, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विपसना कर लें एसएन गोयनका वाले कोर्सेज की। अभी एसएन गोयनका जी है नहीं, तो कई सेंटरों में कुछ गड़बड़ भी हो गई है, जो उनके नियम है वो नियम नहीं माने जा रहे हैं। एक सेंटर मैंने ऐसा देखा था जहां उनके नियम तोड़े भी जा रहे हैं, और भी हो सकता है, तो आप थोड़ा सावधानी रखें। दूसरा, उन्होंने जो बताया है विपसना, आप विपसना सीख के आए। विपसना सीखने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने सारी की सारी प्रयत्ति यानी कि सारी की सारी जो बातें वो बताई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कोई भी शब्द ऐसा नहीं बता रहा हूं जो मैंने खुद अनुभव ना किया हो। यानी उन्होंने जितना भी जो भी प्रयत्ति में बताया है वो पटी पत्ती करके बताया है, यानी कि पहले एक्सपीरियंस किया है उसके बाद में उन्होंने वो सिद्धांत लिख कर बताया है। तो कंफ्यूज ना हो, बेसिकली कोई कुछ भी बोले आप कंफ्यूज ना हो। आप ये देखें कि ये जो बोल रहा है और बता रहा है इसके हिसाब से वो कैसा है, दुनिया के हिसाब से कहता है और मनुष्य के हिसाब से कितना लाभकारी है। बहुत सारी चीजें भगवान बुद्ध के त्रिपिटक में और भगवान बुद्ध की प्रयत्ति में और पटिपत्ति में या उनके सिद्धांत में और उनकी प्रैक्टिस में लोगों ने बदलने की कोशिश की, मगर भगवान बुद्ध ने कई सूत्र ऐसे दिए हैं जिससे वो नहीं बदल सकते। जैसे एक उन्होंने कहा है कि अगर सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी ना हो तो वो बात सही नहीं है, और ये सबसे सटीक इलाज है, सबसे सटीक चेक है, सबसे सटीक आप इसको देख सकते हैं कि वो सबके लिए है या नहीं है। सबका मतलब सारी दुनिया के मनुष्य के लिए, अगर वो ऐसा नहीं है तो वो भगवान बुद्ध का नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, भगवान बुद्ध कभी मैं और मेरे में नहीं उलझे, वो तो मैं और मेरे से पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। जब सारे आसब यानी सारे उनकी बुराइयां जा चुकी थी तो उनमें अहम भाव भी नहीं था, मैं मेरा परिवार भाव भी नहीं था, परिवार तो बहुत पहले छोड़ चुके। इसलिए उनके जो परिवार की गाथा है या जो उनके परिवार की कहानियां हैं, जो परिवार की स्टोरी है या परिवार के बारे में जो भी बात है, वो भगवान बुद्ध ने नहीं बताई है। वो भगवान बुद्ध कभी ऐसी कोई छोटी बात करेंगे भी नहीं। मैंने बहुत सारे संतों को देखा है, संत कभी अपनी पारिवारिक लाइफ स्टाइल के बारे में कभी बात ही नहीं करते। जो बात करेंगे वो किसी दूसरे ने की है, और जो दूसरे ने की है वो उसने अपने हिसाब से की है, उसको उसी के हिसाब से देखें। भगवान बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा बताया है, मनुष्य सुखी कैसे रहेगा और मनुष्य का दुख कैसे जाएगा, वो पाप कैसे उसका मुक्त होगा और पुण्य कैसे वो संचित करेगा, सारा दारोमदार और सारी बात भगवान बुद्ध ने 45 साल तक यही बताई है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे कपड़ा ऐसा, मेरी चाल ऐसी, मेरा नाम ऐसा, मेरा रंग ऐसा, मेरा रूप ऐसा, या मैं ये खाता हूं या ये पीता हूं, या मेरा पिछले का ये है या मेरा आगे का ये है, या मेरा परिवार ये है या ये बात। और कभी उन्होंने हमेशा प्रेजेंट में रहने की बात की है, कभी उन्होंने कोई भविष्यवाणी भी नहीं की है, ना ही उन्होंने कोई भविष्यवाणी की है, और ना ही उन्होंने कभी पीछे की कोई बात के लिए रोना रोया है। तो कोई पीछे की बात के लिए अगर रोना रो रहा है या आगे की बात बता रहा है उनके बिहाफ पे, तो बिल्कुल झूठ है। उन्होंने कहा है प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में जीतना है, तो प्रेजेंट की ही सारी बातें बताई हैं जो मनुष्य में लगातार घटित होती रहती हैं। अगर वो भविष्य बताने वाले होते या चमत्कार करने वाले होते तो वो बहुत पहले बता जाते कि अमरीका में जगह जो अमरीका के नाम से खाली पड़ी हुई है जाके कब्जा कर लो, वहां तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, या आने वाले समय में हमारे देश में ऐसी मंदी और बेरोजगारी आएगी और ऐसे लोग आएंगे, तो वो सब पहले से बता जाते। वो कुछ ऐसे भविष्यवक्ता नहीं थे, वो प्रेजेंट को बताने वाले थे, मगर उनकी टेक्निक इतनी जबरदस्त थी कि प्रेजेंट से आप पास्ट का और फ्यूचर का दोनों का एनालिसिस कर सकते हैं अगर विपसना करें तो। धन्यवाद।
1922 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Single.